नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाना इलाके के अमरवार चौकी के अंतर्गत नाचन टांड गांव में 8:30 बजे सड़क के किनारे अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय नागरिक द्वारा पुलिस को शव मिलने की सूचना दी गई। तत्काल सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह व अमवार चौकी प्रभारी राकेश राय शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दूधी भेज दिया है। वहीं मृतक के शव का पहचान करने के लिए लोगों से संपर्क किया जा रहा है। थाना दुधी से लगभग 20 किलोमीटर आगे कोची नाम के गांव में, जो हमारा बॉर्डर लगता है उस छत्तीसगढ़ से, वहां पर एक लड़की का शव बरामद हुआ है। हमारे बॉर्डर से करीब 500 मीटर पर लड़की के नाक से खून और झाग निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको जहर दिया गया, कहीं बाहर से ला के डाल दिया गया। उसका पंचायतनामा करके आगे कार्रवाई कराई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। गंज भासौदा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। वहीं शहर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, कृषि महाविद्यालय व अन्य संस्थाओं में भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। बारिश का मौसम लगभग करीब ही है और कई किसानों ने सोयाबीन, धान व अन्य उपज देने के लिए अपने अपने खेत तैयार कर लिए हैं। उन्हें केवल बारिश होने का इंतजार है। वहीं शासन ने भी शहर में संचालित खाद बीज की दुकानों की जाँच शुरू कर दी है कि पता चले दुकानों में कितना खाद बीज का स्टॉक रखा हुआ है। डीएम के आदेश के बाद लगातार कृषि विभाग के अधिकारी दुकानों की जांच कर रहे हैं। वहीं तिरंगा चौक पर एक अनाज व्यापारी की दुकान पर क्राफ्ट मशीन से सोयाबीन का बीज तैयार किया जा रहा है। यह केवल एक दुकानदार की बात नहीं है, मंडी में भी व्यापारियों की दुकानों पर इस तरह का बीज तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को ऊंचे दामों में बेचा जा सके। सोनभद्र के शाहगंज थाना इलाके के जंगल में शव मिलने से यहां सनसनी फैल गई। यह सूचना ग्रामीणों में आग की तरह फैली और थोड़ी देर बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना शाहगंज पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार ग्रामीण लालमन सोनकर 4 दिन पहले अपने ससुराल आए हुए थे। मृतक के ससुर ने बताया कि लालमन बीती रात शराब पीकर घर से निकला और पूरी रात घर वापस नहीं लौटा। सुबह गांव की महिलाओं ने शव मिलने की सूचना गांव के लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हमारे यहाँ शादी का, शादी में हमारे यहाँ यार रहना था 15 दिन की, तो 15 दिन के शादी बीत गई तो ये लोग ससुराल चल गए मेरा परिवार से, तो वहाँ पर जाए तो 2-4 दिन रहना है। दारू को देखिए करना पी के घूमत रहना, दारू में तो बहुत ज़्यादा दारू पिया था, आज की बात नहीं, गाँव घर बहुत छोटा मोहत जाता जाना था, रोजे जाता होता था। 4 दिन से रहना और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।